नमस्कार, बीटाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते हैं बीटाउन के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन किया है। डोमेस्टिक कलेक्शन में मूवी 300 करोड़ का मार्क अभी तक नहीं छू पाई है, जबकि वर्ल्ड वाइड फिल्म 400 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। यशराज फिल्म्स ने टाइगर 3 के ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड आंकड़े जारी किए, जो कि 447 करोड़ है। इसके पहले सलमान खान कैटरीना कैफ की फिल्म ने 427 करोड़ का कारोबार दुनिया भर में किया था। एक्टर रणदीप हुड्डा कल यानी 29 नवंबर को अपनी गर्लफ्रेंड लिन ले श्राम के संग शादी करने जा रहे हैं। पिछले काफी समय से इस कपल की शादी की खबरें सामने आ रही हैं। कपल ने शादी से पहले इम्फाल के हैंगांग स्थित मंदिर में मत्था टेका और भगवान से आशीर्वाद लिया। इस दौरान रणदीप से पूछा गया कि उनकी शादी में बॉलीवुड से कौन कौन होगा, तो उन्होंने कहा केवल मैं। क्या शादी को लेकर वो नर्वस है, तो एक्टर ने कहा हर कोई होता है। एनिमल और सैम बहादुर बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के लिए बड़ा मुकाबला बनकर सामने आएंगी। दोनों ही फिल्में एक साथ 1 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है, जो एक बड़े क्लैश की ओर इशारा कर रहा है, जिस पर विकी कौशल ने रिएक्ट किया है। विकी कौशल इन दिनों सैम बहादुर के लिए जोर शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच एक्सप्रेस अड्डा के साथ बातचीत में उनसे रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल के साथ क्लैश को लेकर सवाल किया गया। विकी ने भी जवाब अकलमंदी से दिया और किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी से बचने की कोशिश की। शाइन बर्ट अपने खास अंदाज और स्टाइल के लिए पसंद की जाती है। शाइन सोशल मीडिया हैंडल पर आए दिन कुछ ऐसा शेयर करती है जो सुर्खियों में आ जाता है। वहीं हाल ही में शाइन ने आलिया और रणवीर के साथ ही कुछ ऐसी अनसीन तस्वीरें शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। शाइन भट्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ अनसीन तस्वीरें शेयर की हैं। बता दें कि अपने जन्मदिन के मौके पर शाइन ने अनसीन तस्वीरें साझा कर पहले ही फैंस को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शाइन आलिया भट्ट और परिवार के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह फैमिली फोटो खूब पसंद की जा रही है। रश्मिका और काजोल के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी है। जी हां, सोशल मीडिया पर आलिया का एक बोल्ड वीडियो सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक लड़की बेड पर लेटी हुई नजर आ रही है और कैमरे को देखकर अश्लील इशारे कर रही है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने सोमवार को अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसका मकसद है महिलाओं की लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना। इस पोस्ट को साझा करते हुए आलिया भट्ट लिखती है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा एक अत्यंत आवश्यक पहल, उसकी कानूनी मार्गदर्शिका। ये भारतीय संवैधानिक कानून प्रजनन अधिकार CRPC यौन अपराध और साइबर अपराधों पर कानूनी ज्ञान के लिए हर महिला के लिए उपयोगी है। एक सुरक्षित और जागरूक समाज के लिए आज ही आंदोलन में शामिल हो। अभी डाउनलोड करें और खुद को सशक्त बनाएं। फिलहाल बीटाउन की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए BCN News के साथ। नमस्कार।